सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के पीछे की असल वजह हर कोई जानना चाहता है। वहीं अब सुशांत के पिता ने 6 दिन पहले ही बिहार पुलिस स्टेशन जाकर रेहा के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है और इसके बाद शक की सुई एक्ट्रेस और उसके परिवार पर आ गई है। वहीं अब सुशांत सिंह राजपूत के हेल्पर ने बिहार पुलिस को दिए गए बयान में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। DNA की ताजा रिपोर्ट की माने तो बीते बुधवार को ही पर्ल हार्बर बिल्डिंग में सुशांत के हेल्पर ने बिहार पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज किया है। पोर्टल के मुताबिक सुशांत के हेल्पर ने लगभग 2 घंटे तक अपना बयान दिया है और उन्होंने साफ कहा है एक्टर के निधन से पहले घर में कोई भी पार्टी नहीं हुई थी और ना ही सुशांत किसी भी पार्टी में शामिल हुए थे। सुशांत इस बात का भी खुलासा किया कि डिनर करने के बाद सुशांत सिंह राजपूत अपने कमरे में सोने चले गए थे और उन्हें 14 जून को भी जल्दी उठ गए थे। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस की ओर से भी ये बात कही गई थी कि सुशांत ने 13 जून को देर रात तक दोस्तों संग मिलकर पार्टी की थी। वहीं ये बात भी सामने आई है कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के 2 दिन पहले ही CCTV कैमरा बंद कर दिया गया था और अब इस बात की पुष्टि हुई है कि वहां पर कोई पार्टी नहीं हुई थी। मुंबई पुलिस ने जो भी कहा झूठ कहा और CCTV कैमरा सिर्फ 2 दिन पहले ही क्यों बंद हुआ। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव रिपोर्ट्स और मैं हूं आपके साथ सादिका कौर।